जाओ फिर। फिर अगले साल आके कहते महाराज जी हमें नजीक बुला दो। आ गए फिर। नजीक का आनंद कुछ अलग है। सड़क पार एरिया खराब नहीं है, अच्छा ही है, पर हम सुंदर सात राज्य के दर्शन करते रहना चाहते हैं। छोटे मोटे कोई भी कार्यक्रम हो तो देर तक भी बैठना पड़े तो वहां इजीली बैठ सके, आसान हो हमें। फिर घर जाना हो तो सोचना ना पड़े, और फिर घर जाना हो तो हमें साधन के बगैर भी हम जा सकें, मोटरसाइकिल कार गाड़ी ना हो तब भी हम जा सकें। हालांकि अब आजकल का जमाना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चार कदम चलना नहीं चाहते। आपको नहीं कह रहा हूं आपको तकलीफ है, चार कदम चलना भी पता नहीं क्या समझते हैं गाड़ी। ठीक है, मुबारक हो आपकी गाड़ी आपको, हम तो 3-4-5 किलोमीटर चलने का शौक रखते हैं। क्यों विनोद जी, वो उधर व्यवस्था संभाल रहा है। 5-6 किलोमीटर 6-6.5 किलोमीटर हम चलते रहे हैं, तो चलना जरूरी है शरीर के लिए। हम जितना सुविधा देंगे शरीर को उतनी दुविधा भी बढ़ेगी। तो करते कराते इस जगह ने कुछ पहले पुण्य कमा लिया होगा, सुंदर साहब को बुला लिया इस जगह में। हालांकि थोड़ी सी अटपटी स्थिति थी, और विनोद जी ने थोड़ा सा इशारा जरूर किया था, हम आसपास में देख रहे हैं। और एक दिन आकर के कहते हैं बाबू बधाई महाराज जी, ये रजिस्ट्री है दिखाने आए। मुझे बड़ी खुशी हुई। अब तो मैं विनोद जी का घर कितना दूर है कहने पर कहता हूँ, मेरे मतलब हमारे मंदिर के गेट से बाहर निकले और वो घर से बाहर निकले तो हम बातें कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा मंदिर, ये राज्य की बड़ी कृपा हुई। भावना हो, हमारे यहाँ कहते हैं ना, तू साध करो एक वेद, मैं जीजी करूं 10 वेद। अरे तुम बुधाने का प्रयास तो करो, मैं आने के लिए तैयार हूं। ये उसी का ये लक्षण है, उसी का ये परिणाम है। तुम मेरे पास आना चाहते हो तो मेरे से दूर नहीं, मेरे पास मैं बुला लेता हूं तुम्हें। और अब ऐसी स्थिति है, आरती की घंटी बजनी चालू हो गई तो यहां से जाएंगे तो पहुंच जाएंगे आराम से। और ये रात के 11 बजे हो तो इनको घर आने की चिंता नहीं, ये गेट जरूर बंद होता है, उधर से वॉक करते हुए आते हैं, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और करनाल में सुंदर सात के लिए सबसे बड़ा सुख ही तो मंदिर है। अभी अभी आप लोग सभी जो यहाँ के हैं अथवा जो दूर के जो आए थे, भाई साहब आए थे, उन्होंने जो आनंद लिया, हाँ हाँ आए थे, भले थोड़ी देर के लिए आ पाए पर आकर के एक तृप्ति अनुभव करते हैं, एक अलग किस्म की शांति और आनंद का अनुभव। मुझे पता है बहन जी के आज ये कार्यक्रम होना है, बहन जी अखंड पारायण के लिए वही वही चादर बिछा के लेटी हुई मैं देख रहा हूं। रात्रि की बारी कब की कभी की भी लगे है ना मंदिर में, तो एक अलग अपनापन, एक बाबा जी की कृपा कहें, आशीर्वाद कहें, राज्य की कृपा कहें, एक अलग किस्म की शांति का वातावरण यहाँ है। विश्व भर से सुंदर साथ आकर के यहाँ अलग किस्म का आनंद अनुभव करता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ बहन जी आदर्श जी को, और भाई साहब विनोद जी, और बाई चांस इनकी एक बेटी करनाल में ही है और एक बेटी जयपुर है, तो क्या होगा, वो दौड़े दौड़े कभी कभी पहुंच ही जाती है और मिलती है। मुझे अच्छा लगा, वो गाती भी अच्छा है, इसका पता चला, सुंदर गाती है, सुर ताल का ख्याल है। मैं नहीं गा सकता तो कोई गाता हो तो पता चल जाता है कहाँ ताल टूट रहा है, कहाँ गाने का ढंग ऊपर नीचे हो रहा है, तो मुझे अच्छा लगा। क्यों मेहर मुझ पर भई ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप मासुक। वास्तव में आज के प्रसंग में छुपाई पूरी पूरी उतरती है। देखिए जीवन में कष्टों की कमी नहीं है, कई ऐसे कष्ट मैंने देखे हैं मेरे सामने, नजरों के सामने,
पर उसमें भी कहीं ना कहीं राज्य की मेयर होती है, वो कहीं ना कोई तरीके से उस कष्ट से उभारना चाहते हैं। हालांकि इस परिवार में कष्ट की कमी नहीं रही, बहुत कष्ट आया, बहुत दुख हुआ सुनकर के हम, है ना, हमारा दिल विचलित हो जाता है, पर फिर भी उसके पीछे भी कहीं ना कहीं राज्य की मेहर हुआ करती है। मुझे याद है, ऐसी ऐसी घटनाएं याद हैं, और आज वो बहन कहती है, महाराज जी राजी इस तरह से कृपा करते हैं, कमाल है। ये घटना कुछ अलग टाइप की, और मैं जो कह रहा हूं वो अलग टाइप। बता दूं, बच्चे को बड़ी बीमारी की शिकायत हुई, करीब करीब 5-1 वर्ष की अवस्था में। अब दिमाग न घुमाना, सोच लो समझ लो, बड़ी बीमारी की शिकायत हुई और सुन करके वो बच्चा लाडला हमारा गोदी में खेलता हुआ पला, और उसको अचानक मैंने देखा, वो पीला पीला सा पड़ा हुआ है, क्या बात है, उसके तेज नहीं है चेहरे पर, बच्चे में तो एक रौनक होती है चेहरे में, क्या बात है। फिर मैं 10-1 दिन के लिए कहीं प्रचार प्रसार में गया, आया तो बिल्कुल डल बच्चा तो बिल्कुल सुख सा ही गया। मैंने कहा क्या बात है, तो बोलते हैं महाराज जी हमारे फैमिली डॉक्टर से बात हुई, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, इस बच्चे को ऐसे ना छोड़ो, तुरंत बड़ी जगह जाकर चेकअप करा लो। जब चेकअप कराया, उस बीमारी का नाम लिया जिस बीमारी को सुनना भी डरते हैं, और उसकी माँ ने छोड़ दिया कि ये बस कुछ दिन का मेहमान है। मैं सारी घटना नहीं वर्णन करना चाहूंगा, लंबा समय लगेगा, और वो बीमारी बीमारी नहीं थी, वो बहुत बड़ी कृपा भी थी। बच्चा ठीक हो गया, बिल्कुल तंदुरुस्त, और घर की परिस्थिति भी कहां की कहां पहुंच गई, बदल गई। ऐसी अनेक घटनाएं हैं, अभी अभी की घटना भी ऐसी हुई है। तुम दिल से चाहो राज्य को, संसार का कष्ट नहीं आता ये तो नहीं कहूंगा, उस कष्ट से निकालने वाले भी राजी होते, वो संभाल लेते। प्यारे सजनों, सुंदर शाह जी, हम राजी से जुड़े तो सही, प्रियतम धनी से जुड़े तो सही, दिल से जुड़े। मुझे कहते हुए खुशी होती है, आज विनोद ग्रोवर जी मेरे ख्याल से यदि करनाल हों और आरती में ना पहुंचे सौता नहीं, और मंगला आरती में तो खासकर, चाहे वो 5:30 बजे हो चाहे 6 बजे की मंगला आरती, तो पहुंचते जरूर है। संध्या आरती में कई बार काम में कहीं पे कहीं पहुंचे होते हैं, हाँ ये बनाना था ये सब चक्कर, तो किसी कारण से ना आ पाए हो, फिर भी कोशिश करते थे पहुंच ही जाए संध्या आरती में भी। तो आज राज्य की कृपा, बाबा जयराम साहब जी के बुलावे के कारण से आज हम आप सभी यहाँ इस तरह से विनोद जी और आदर्श ग्रोवर के घर में मकान का गृह प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा सा समय इस मकान को बनाने में लग गया कोई बात नहीं, पर आज का शुभ दिन, और मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जयराम धाम का कार्यक्रम पूरा भी हो गया, और फिर सुंदर साथ सारा निश्चिंत तो होकर के यहाँ आया, नहीं तो इस समय हमें सेवा में पहुंचना है, हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना होता, मेले से पहले भी काफी दिनों से ये सेवाएं चल रही थी। तो ये सब उनकी मेहर है, उनकी मेहर को देखने की दृष्टि भी मेहर कर दे राज जी महाराज, हम देख सकें पल पल उनकी मेहर, हमें अनुभव कर सकें, हमारी शुभकामना है। राज जी महाराज कहते हैं ना, कौन सा भजन गा रहे थे अभी आप, मेहर सागर एक किताब का अथवा एक प्रकरण का नाम मत सोचिए, मेहर सागर राज्य का नाम है। तुम तो मेहर के भंडार हो, कहते हैं
हाँ आपका दोस्त मेहर का भंडार है, आपका डर नहीं, आप स्वयं मेहर के भंडार हो। तो हम थोड़ा सा दृष्टि को उनकी तरफ उस तरह से निहारने का प्रयास करें सुंदर शाह जी, हर पल उनकी मेहर हमें दिखाई देगी। राजी महाराज कृपा करें ये घर सुखदायी बने, भजन भक्ति स्मरण चिंतन का ये घर बने, राजी के नाम का, उनकी वाणी का, पाठ पारायण का ये घर बने और प्रेम और सद्भाव का ये घर बने। हमारी हार्दिक शुभकामना सद्भावना। सभी सुंदर साथ ने आज अखंड गोटा पारायण यह पाठ किया, जो दूर नजीक से दिख रहे हैं मुझे ऐसा लगता है ये करनाल के चेहरे तो नहीं है, है ना? आप कहाँ से हो? जयपुर से। तुझी जयपुर से? मैं लखनऊ भी जाता हूँ। हाँ पेपर मिल कब बनी? अभी गया था वो तो, और ही कुछ था। कौन सा एरिया? इंदिरा नगर में और कुछ है? नहीं जी, अभी उनका ये पेपर मिल वालों कॉलोनी वालों का घर इधर ले लिया अभी। नहीं कुछ कुछ नाम ऐसा धर्म से जुड़ा हुआ है ना? जो भी है, अभी भी मैं वहां था, दो एक दोरा शिवपुरी ने ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी शिवपुरी ने ब्रह्मपुरी और भूतनाथ में जिनकी दुकानें हैं जी। आगे और आप अनिल अनिल जी को ही जानते होंगे, अनिल जी, ममता, परवीन, मीनाक्षी और छोटे सुरेंद्र। नहीं नहीं ये लखनऊ रहती नहीं हो? अच्छा जयपुर ससुराल, ठीक है जी। कितने रहते हो जी? कहाँ रहते हैं? जयपुर, ओके। जवाहरनगर भी जाता हूँ, हो सकता है जयपुर अभी आ जाऊँ, अभी 12-13 तारीख को है। ओके, जो मेरे को लेने गए थे वो आपके कुछ लगते थे क्या? ओ कुछ का मतलब जेठ भी तो हो सकता है। अच्छा अच्छा चलो, कितने भाई विनोद जी आप?